हे फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? होप सब बहुत अच्छे होंगे। तो सबसे पहले सॉरी यार, मैंने इतने दिन से आपको कुछ भी अपडेट नहीं किया कि मैं कहाँ पर हूँ, बट मैं उदयपुर आ चुकी हूँ फाइनली। दो तीन दिन हो गए हैं, तो पहले मैं नहा लेती हूँ क्योंकि मैं अभी तक नहाई नहीं हूँ और शाम की बजने वाली है 4। पहले मैं नहा लेती हूँ, फिर आपसे वापस मिलती हूँ। बाय गाइस। तो सिर मैंने धो लिया, नहा भी ली, बहुत कंडीशनर लगाया सिर में, तो मैंने सोचा जब तक सूख जाएगा मैं आपसे बात भी कर लेती हूँ। और रीज़न ये था कि मैं इतने दिन से जो मैंने व्लॉग नहीं बनाया था, तो जिस दिन मैं घर से निकली थी ना, उस दिन मेरी दादी की थी रोटी। ठीक है, पूरी कहानी ध्यान से सुनो, पूरी कहानी समझा रही हूँ उनको, देखो पीछे ये बैठे। और एक रीज़न ये भी था, ये मरीज़ है ना, ये बीमार हो गई थी। ठीक है, तो शुरू करते हैं घर से कहानी। ठीक है, तो जब जिस दिन मैं घर से आ रही थी ना, उस दिन थी घर पे रोटी। ठीक है, तो रोटी थी तो मेरे को था कि मैं घर से जो रोटी वगैरह ना, वो मैं खा के जाऊँ दादी, क्योंकि मैं इस बार इसके बाद तो कोई खा नहीं पाऊंगी। तो तू क्या तैयार हो रही है? अच्छा, तो उसके बाद फिर मैंने कहा था कि मैं रोटी खा के जाऊंगी, क्योंकि उसके बाद मुझे एक साल तक हमारी रोटी चलती है, तो फिर इसके बाद मैं खा नहीं पाऊंगी क्योंकि आपको मैं लेट जाऊंगी घर पे। तो मैंने सोचा कि मैं खाना खा गई, उस चक्कर में क्या हुआ, मैं घर पे बहुत ज़्यादा लेट हो गई। मतलब 2 घर ही बज गए थे, 1:30 बज गया था और 6 मेरी ट्रेन थी, तो घर से मुझे लग जाता है कोई 3-3.5 घंटे लग जाते हैं। और एक तो रोड खराब थी, तो जिसकी वजह से मैं क्या हुआ, तो हाँ, तो जो रोड पर खराब थी तो मुझे थोड़ा जल्दी निकलना था, तो मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई। ठीक है, तो उसका मुझे टेंशन हो गई कि ट्रेन के छूटना जाए, तो फिर मुझे रास्ते में ताजी मिल गई, किस्मत देखो किस्मत, तो उसका रास्ते में ताजी मिल गई, तो फिर उनके समझ तो आगे से स्टेशन। तो उसके बाद फिर मेरे को समझ नहीं आया क्या ब्लॉग में कैसे, उसका मैं आगे एक दिन से तो फ्रेंड की होगी, तो खराब बहुत ज़्यादा खराब थी इसकी। ठीक है, तो उसके बाद इसके साथ में मतलब रास्ते में, मतलब जब जिसने हमारे ना, उसको रास्ते में पीरियड्स हो गए, जिसकी वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, तो जिसके साथ भी इसको बुखार हो गया, कोल्ड हो गया रास्ते में, क्योंकि जम्मू में थी बहुत ज़्यादा सर्दी, तो यहाँ पर थी नहीं, यहाँ पर सर्दी थी, शर्ट पहनी, मेरी पहनी, तो यहाँ पर सर्दी है। तो इस चक्कर में जितना ब्लॉग का था जो एक दिन से मिस हो गया, उसकी बहुत सारा सॉरी गाइस कि मैंने आपको एक दिन से मतलब नहीं किया। मतलब मैं ये कोशिश चाहती थी कि मैं डेली का ब्लॉगिंग कर पाऊँ, मतलब नहीं हो पाता, आपको आप समझते इस चीज़ को, आप हर दिन आप नहीं हो सकता या फोन पर वो करूँ। जिस दिन घर से आते सब इतने ज़्यादा इमोशनल थे ना, कि मतलब मैं नहीं कर पाई, मुझे नहीं आता कि फोन पर मेरे ब्लॉगिंग करूँ, मैं थोड़ी इमोशनल हो गई चक्कर। तो बस यही थी पूरी कहानी मेरे इतने दिन से आपसे बात ना करने की, तो उसके लिए एक बार फिर से सॉरी। तो और मैं एक बात और बोलना चाहती हूँ आपको कि यार प्लीज़ फैमिली थोड़ी सी मेहनत करो और 1000 सब्सक्राइबर बना दो यार, हमें थोड़ी और बड़ी फैमिली हो जाएगी हमारी, मतलब 500 तो होने वाले हैं, तो मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्दी हम 1000 की फैमिली बन जाएँ, तो ताकि और भी ज़्यादा मज़ा आने लगे, ज़्यादा फैमिली हो ज़्यादा मज़ा आता है। मैं चाहती हूँ कि मेरी बहुत सारी फैमिली हो जाए, तो इसलिए अपना सपोर्ट करें यार, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को यार। अभी मैं स्टार्टिंग में ये बात बोलूँ कि लास्ट तक शायद मेरी वीडियो को देखते ही मुझे ऐसा लगता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, थोड़ा सा अपना सपोर्ट आना बढ़ाओ, ताकि मेरे लोग सब्सक्राइब हम 1000 फैमिली तक पहुँच सकें। तो बस यही है, तो मेरा सिर्फ सूख रहा है, बस इसी फैमिली से बोलती हूँ। तो क्या करते हैं अभी आने का, अभी तो कुछ बैठे हुए हैं, अभी तो क्या करते सबको अपने दिन के बाद शक्ति बीमार वाली है, तो ये बांदरी अब थोड़ी सी ठीक हो गई है। मैंने सोचा कि अच्छे से ठीक हो जाए, ताकि अब मेरा बर्थडे भी आने वाला है ना थोड़े दिनों में। ओ वाओ, आपको तो पता ही नहीं होगा मेरा बर्थडे आने वाला है एक्चुअली, तो उसके लिए भी अब हमने दोनों ने अच्छा सा दिखना है, बर्थडे जिसका भी हो, मतलब तैयार तो ये भी होगी ना। तो उसे जाना है कॉलेज, और साथ में अभी अब हमें काम भी शुरू करना है, क्योंकि हमारे एग्जाम आने वाले, तो जो कि मैंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की है। क्या नहीं हो सकता फिर, तो देखते हैं अब करने लगी, पहले यूनिफॉर्म ब्रेस कर ले, फिर मैं कर लेती हूँ उसका, देखती हूँ क्या करते हैं। और आपको पता मैं कितनी बेवकूफ़ हूँ, मैंने अपना लैपटॉप यहीं छोड़ के चली गई थी, और मेरे लैपटॉप में बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती हूँ। तो देखते हैं अब इसको खोल के, 2 तो ये टूट चुका है, घिरते इसका जो वो था ना, इसका विंडो मतलब चेंज करवाना पड़ा क्या पता नहीं, तो अभी हम इसको ओपन करके देखते हैं चलता है कि नहीं, क्योंकि मैंने कभी ये ज़्यादा चलाया ही नहीं है इतना। देखते हैं इसमें, अब मुझे फिर से सब कुछ डाउनलोड करना पड़ेगा, जो भी था सब डिलीट हो चुका है, तो अभी तो यहाँ डाउनलोड होगा नहीं, शाम को देखती हूँ ऊपर जाके ना, जाके मैं इसमें जाके ऊपर डाउनलोड कर लूँगी, वहाँ वाईफाई है, यहाँ तक कनेक्शन नहीं पहुँचता उसका। शर्मा जी कर रहे हैं अपने कपड़े प्रेस, सिमे मेरे भी रख दिए ना यहाँ पे, देख लो सिमे, बोल ना इनको कुछ, जल्दी जल्दी से करो, फिर मुझे पार्टी मिलेगी, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब, पार्टी वो उधर सामने ही है, मैं फ्लश है, जल्दी करो ना, मेरे झूठे वादे में फंस गई रे लड़की, झूठा वादा नहीं है मुझे याद अच्छे से, जल्दी करो फिर मैं शॉपिंग करूँ। यार यहाँ पर तो बिल्कुल ठंड नहीं है, मैं इतने अच्छे से कपड़े ले आई थी, मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या लाई थी, मैं इतना सुंदर ड्रेस लाई थी, इतनी शौक से,
ये फुल ड्रेस लाई थी मैं, क्या करूंगी मैं इसको और बताती हूँ। ये लाई थी, अब इनको लगा के मुझे ये सिमरन देख मैं दिखा के रही हूँ। सॉरी इग्नोर, इसको इग्नोर कर सकते हो आप यार, इसको लगा के हम चल ही नहीं सकते यार, सर्दी है, पाँव में इतनी जल्दी पसीना आ जाता है। मतलब मैं इतने गर्म गर्म कपड़े लाई और यहाँ पर जरूरत ही नहीं है गर्म कपड़ों की यार। एक मिनट में अभी अपना हेयर वॉश करके आती हूँ, फिर वापस मिलते। तो धो दिए मैंने सिर, मतलब पानी से निकाल दिया। तो हाँ यार, तो अब हम अभी हमारे रूम में एक और मतलब कि जो लड़की है ना वो शिफ्ट हुई है, तो ये सिमरन कह रही कि तेरे एक और सब्सक्राइबर हो गया। देखा, मतलब आप खुद सोचो जितने लोग आप मुझे सब्सक्राइब कर रहे हो, ठीक है, अगर आप सब और लोगों को बोल बोल के सब्सक्राइब करवा दो, हाँ बन के हो जाए ना, क्या जल्दी कराएं तो मेरी शॉपिंग हो जाए। बोल रही है मेरे लिए करवा दो, देखते हैं सिमरन तेरे साथ कितना प्यार है लोगों को। ठीक है गाइस, अब ये चैलेंज है, आपको करवाना पड़ेगा मेरे लिए, मेरे को शॉपिंग करनी है, जल्दी जल्दी इसके सब्सक्राइबर बढ़ाओ। चलो मेरी नहीं सुनते, चलो इसकी सुन लो, बीमार आदमी की मुरियाद सुनो। फिर वही मेरे मामू की बेटे वाले बात आ गई, पता है मैं साजिल क्या कहता, कहता रिया मांगते नहीं है सब्सक्राइबर, जिसको करना है वो खुद करेगा। मैं एक मिनट लैपटॉप खोल के देखती हूँ, थोड़ा चार्ज हो गया। तो अब हम दोनों जा रहे हैं बाहर, यार कैमरे ने अपनी औकात दिखा दिया, मतलब इसके साथ साथ एक एक लाइट पकड़ के चलो। तू ये टांगो, अभी जा रहे हैं बाहर मार्केट में। यार हमें रोड क्रॉस करनी थी, तो यहाँ पे हमें दिख गया, वो आपको दिख रहा है क्या रोड में, वो शायद पटाखा किसने फेंका, कौन से भी हरी पटाखा यार, मुझे दिखाती हूँ यार, ये देखो आपको दिख रहा है, ये जल रहा है, आपको समझ नहीं आ रही, ये फट गया ये क्या है, ये फट गया क्या, फट गया, जाओ उसको बड़ी चाड़ रही। नहीं यार हम साइड से चलती हैं, फिर मेरे मेरे पैर पे फट गया ना कहीं, मैं यार गाड़ी फट गई, दो पागल हो गई क्या, ज्यादा नहीं हो गया यार, मुझे डर लगता है बहुत, मेरे को तो ऐसे ज्यादा लगता है बेटा, मैं अपने बर्थडे में बलून नहीं फाड़ती, सोच अब मेरे डर का लेवल देख, तो मेरा मैं बलून फुलाती नहीं इस डर में कि मुंह पे फट गया तो क्या होगा। 9th क्लास तक तो मेरे बर्थडे हुए ना, मैंने कभी बलून को भी वो नहीं किया, लाइट के साथ करते होते ना फटाते, मैंने कभी नहीं फटाया, मुझे इतना गंदा वाला डर है, मीठा आवाज मेरे को बहुत बहुत ज्यादा मेरे को डराती है। सुनसान रात में चल रही है दो लड़कियां, जैसे पता है मैं सिमरन को बोलती, मैं सिमरन इतना टाइम हो गया, हमें 10 बजे थे मार्केट में घूमते घूमते, मेरा सिमरन बस कल की न्यूज में आने वाला है, दो लड़कियां हुई फरार, फरार की चुपके ला गए, नहीं सबको पता है चुपके तो इनको कोई ले जाएगा, फरार ही होगी, सामान ले लेते। तो अभी हम जा रहे हैं पीजी, यहीं से चलते हैं। बब में बब देना हवाई है, मैं उसको सीधा पीजी के जाता हूँ, ऐसे कौन जाए, तो पता नहीं क्या कर रही है, फिर से फाड़ने लगे मुझे, इसको क्या खुशी है, मेरे बच्चों को क्यों नहीं डर लगता, पता नहीं यार, वो गाय भी आ रही होगी, जब पटाखा फटता तो मेरी फटती है कसम से इतनी। वो बच्चा कैसे आ रहा है, दौड़ रहा है, ये क्यों पटाखा गायब हो गया है, फट गई मैं पीछे, आज हमने बाहर ही खा लिया यार, आज मेरे को मन नहीं था अंदर खाने का, इसकी आज थोड़ी तबीयत ठीक थी तो मैंने सोचा चलो आज बाहर ही खा लेते, तो हम जा रहे हैं वापस एज यूजुअल अपने पीजी में, क्या भाई सिमरन, हमें अभी सिमरन की बहन मिली है, रुको आपको दिखाती हूं, हां मेरी बहन तो तू ही है, सेल्फी देखना कि यहां पे मारी पीछे
मैं अपने ऊपर चढ़ा के बोले ले सिंगो में बैठी होगी ना तेरी सेल्फी निकल जाएगी सिमरन क्या क्या हो गया हमारे पीछे आगे पीजी में तो अब हम जा रहे हैं ऊपर मैस में टिफिन देने के लिए क्योंकि कल से मैंने जाना है कॉलेज तो वो जाते हैं ऊपर मैस में यार इतना गुस्सा था मुझे क्या मेरा कैसा हो गया ये अभी यही थी पैंट को क्या कराने कटिंग कराने देना इसकी पैंट की क्या बना दी यार तेरे सामने देख के फिर बताई थी मैंने उसको पैंट देख इसको पैंट देखो इसकी ये बेल बॉटम में थी क्या बना दी बेल बॉटम में थी और इसका अब कैपरी बन गई है चल अच्छी है चल के इसको सुखाते यार मुझे इतनी जलन हो रही है ना इसको लगा के शायद ड्राइनेस हो गई है ना इसलिए अब हम इसको सुखा लेते हैं हाँ कर देती हूँ रुक रुक तो पता क्या किया मैंने ना अभी कुछ ऑर्डर किया फ्लिपकार्ट से मैं भी बताऊंगी नहीं कि मैंने क्या मंगाया क्योंकि अभी बता दूंगी तो फिर उस पर भी तो व्लॉग बनाना पड़ेगा ना तो मैं इतनी खुश हूँ उसके लिए वैसे तो वो कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है लेकिन मेरे लिए बड़ी चीज़ है कि मैंने वो चीज़ ऑर्डर की तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि वो कब आएगी फिर मैं आपको बताऊँगी वो क्या बोलते थे ओपनिंग क्या करते थे अनबॉक्सिंग हाँ फिर मैं आपके सामने अनबॉक्सिंग करूँगी अनबॉक्सिंग करूँगी तो उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा हूँ एक्साइटेड यार मेरे रूम पे एक नए रूममेट आए रुको मैं उनको बोलती हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो यूट्यूब दो मैं खुद कर लेती हूँ यूट्यूब खोल दो देखो फोन कितना अच्छा है ना लाइट वेट है कितना किसने तंग किया तुझे खुद ही वेट आई विल हैंडल ये देखो हमने कर दी अपने चैनल को सब्सक्राइब थैंक यू अब मैं अपना मुंह धो लेती हूँ और फिर कल से हम जाना कॉलेज तो धो लिया मैं अपना मुंह तो बस यही था आज के मेरे व्लॉग में इतना कुछ खास नहीं था गाइस हंसी आती है हैं उसको हंसी आती है देख देख के किसको तो कर अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो मेरी वीडियो कर देना लाइक मेरे चैनल को कर देना सब्सक्राइब बाय बाय गाइस टेक केयर क्या सुनो मेरे को मुंह में लगा दे तेल वो तेल मेरे भी लगा क्या बोल रही मुझे मेरे तेल लगा मतलब कितना वो मसाज करूँ कल तू मेरी कर ले या अच्छा
यार शादी के ब्लॉग चल रहे हैं, अभी हम करवा देते हैं इससे अपने मुंह मसाज, क्योंकि मेरा मुंह बड़ा ड्राई हो रहा है। कर कर इधर मसाज कर, दे ना हाथ में एकदम बढ़िया तरीके से करना। ओके तो बाय बाय गाइस, यार मेरा फोन, तो बाय बाय गाइस, मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।